Hadi kalk. जो शख्स हमारी गिरफ्त में था उसकी पूरी कोशिश ये थी कि वो उस गंदे नाले में कूद जाए जिसके किनारे पर ये सारी जोर आजमाई जारी थी। वो खुद को और हमें घसीटता हुआ गंदे नाले की जानिब जा रहा था और हम में से कोई भी इसके पीछे इस बदबूदार नाले में कूदने को तैयार नहीं था जिसकी गहराई का भी हमें अंदाजा नहीं था। यही वजह थी कि आखिरकार ये शख्स हमारी गिरफ्त से निकलकर नाले में छलांग लगाने में कामयाब हो गया। हम नाले के दूसरे किनारे की जानिब भागे ताकि उसे दूसरी जानिब से बाहर निकलते ही दोबारा पकड़ लें, लेकिन इस दौरान मनशियात फरोशों का पूरा गोट मुतहर्रिक हो चुका था। मर्द, औरतें, बच्चे सब हमारी जानिब दौड़े चले आ रहे थे। इन सब ने आते ही सबसे पहले कैमरे छीनने की कोशिश की। अब मनशियात फरोशों को पकड़ने की बजाय हमारी तरजीह कैमरे और इनमें मौजूद रिकॉर्डिंग को बचाना था। हमेशा की तरह मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने कैमरा पर्सन की ढाल बना रहूं ताकि एक तो ये कि वो रिकॉर्डिंग जारी रख सकें और दूसरा किसी भी भरपूर हमले की सूरत में कम से कम वो कैमरे लेकर वापस भाग सकें। बरसों पहले हैदराबाद में भी लड़कियों की खरीदो फरोख्त के अड्डे बेनकाब करने पर जराइम पेशा अफराद की पूरी बस्ती हम पर टूट पड़ी थी। उस वक्त भी मेरी यही कोशिश थी कि मैं इस हुजूम और हंगामे में से निकलने वाला आखिरी आदमी हूं ताकि मारपीट करने वालों की सारी तवज्जो मुझ पर रहे और कैमरे बाहिफाजत निकाले जा सके। ठट्ठा में गोठ अली मोहम्मद कातियार में भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल थी, लेकिन यहाँ मर्द पीछे थे जबकि औरतें हमलावर थी। इसलिए कि औरतों पर जवाबी हमला करने से हर एक गुरेज करता है, हम भी ऐसा ही कर रहे थे। हमारे पास इनकी लातों, मुक्कों और डंडों का सामना करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अंधेरे में किसने क्या चीज उठाकर मारी हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। हमारे दोनों कैमरे तोड़ दिए गए थे। जब तक पुलिस पहुंची तब तक ये लोग मारपीट करके वापस गोठ में जा चुके थे। बैकअप बैटरीज के जरिए कैमरों को ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि कैमरे चूंके चलते चलते गिरकर बंद हुए हैं, लिहाजा शायद रिकॉर्डिंग महफूज नहीं रही। पुलिस ने गोठ में सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन सब मर्द गोठ को छोड़कर फरार हो गए थे जबकि औरतें पुलिस पर चीख चिल्ला रही थी। एआरवाई की टेक्निकल टीम ने रात भर मुशक्कत के बाद टूटे हुए कैमरों के मेमोरी कार्ड्स में से रिकॉर्डिंग को रिट्रीव किया और इसी बदौलत आप ये सब मनाजिर देख सके। अगली सुबह एसएसपी शब्बीर सेठार की हिदायत पर पूरे इलाके में कच्ची शराब के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई, कातिल कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को आग लगा दी गई। पूरे इलाके में कच्ची शराब बेचने वाले और दीगर मनशियात फरोश पुलिस के खौफ से अपना धंधा बंद करके भागने पर मजबूर हो गए।
टीम सरेआम ने अपने हिस्से का काम किया। हम यही कर सकते हैं, रिस्क लेकर, खतरा मोल लेकर जितना सच आपको दिखा सकते हैं दिखाते हैं, जो हकायक आप तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, काम इदारों को करना है, कानून और पॉलिसीज हुकूमत को बनानी है, और इदारे अगर चाहें तो इस तरह से बुराई को जड़ से उखाड़ सकते हैं। टीम सरेआम ने कातिल कच्ची शराब के खिलाफ अपने हिस्से का काम करके फर्ज कफाया अदा करने की कोशिश तो की है, लेकिन इस जहरे कातिल के नतीजे में अब अगर कोई मौत वाकई होती है तो वो मौत नहीं कत्ल होगा। और हमारे हुक्मरान ने कहा था कि जिस मकतूल का कातिल ना मालूम हो उसका कातिल वक्त का हुक्मरान होता है।